हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले प्रेडिक्शन मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फोर्थ टेस्ट का डे थ्री। एंड डे टू के एंड पे स्कोर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंडिया 212 रन आगे है इंग्लैंड से। एंड इंडिया का दो विकेट गिर चुका है। पुजारा यहाँ पर बैटिंग कर रहा है 43 रन बना के। एंड जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, मैं डेली शाम को 7:30 बजे रोज लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो आ जाया करो। लेकिन आज एंड काल मैं नहीं रहूँगा घर पे, तो आज एंड काल लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगा, लेकिन मंडे से फिर से लाइव स्ट्रीम मैं रोज करूँगा। तो शाम को 7:30 बजे रोज आ जाया करो यार, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो चलो आज का डे थ्री मतलब आज का दिन डे थ्री शुरू करता है विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। डे थ्री का पहला गेंद बेन स्टोक्स की तरफ से, विराट कोहली ने यहाँ पर आराम से डिफेंस किया। तीसरा गेंद विराट कोहली स्ट्राइक पे एंड यहाँ पर डिफेंस करने की कोशिश किया था, पैट पे लगा एंड यहाँ पर अपील तो हुआ था, अंपायर ने उंगली खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर बेन स्टोक्स को मिल चुका है विराट कोहली का विकेट। अपील तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्लाम बेल बीडब्ल्यू है। एंड यहाँ पर विराट कोहली 15 रन बना के आउट हो चुका है। दूसरा गेंद यहाँ पर आराम से खेला, फील्डर पकड़ भी लिया, अबे यार ओवर थ्रो, 4 रन। अरे यार क्या करता है फील्डर। एंड यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ रहाने को। पहला गेंद रहाने स्ट्राइक पे है, बढ़िया शॉट खेला गैप पे, दो फील्डर भाग रहे हैं गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन टाइमिंग आइडियल। तो इसी के चलते यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ अजिंक्य रहाणे को। बहुत ही शानदार शॉट, बढ़िया प्लेसमेंट, बढ़िया टाइमिंग। दूसरा गेंद ब्रॉड की तरफ से एज लगा, ओ भाई गाली का प्लेयर ने यहाँ पर डाइव मार के सही कैच पकड़ लिया। यार थोड़ा सा डिफिकल्ट था फील्डर के लिए गाली का जो फील्डर था, लेकिन यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड का बहुत ही खतरनाक गेंद, एज लगा, फील्डर ने कोई भी गलती नहीं किया, आराम से कैच पकड़ लिया। एंड यहाँ पर रहाणे 12 रन बना के आउट हो चुका है। ऋषभ पंत स्ट्राइक पे है, लास्ट गेंद, अबे यार बैकफुट पे पंच करने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पर भारी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं किया। एंड यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड को मिल चुका है और एक विकेट। स्टुअर्ट ब्रॉड भाई बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वापसी किया, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी वापसी किया एंड इंग्लैंड को भी वापसी कराया यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड ने। ऋषभ पंत 4 गेंद पे 0 रन बना के आउट हो गया। पुजारा स्ट्राइक पे है, लास्ट गेंद, अबे स्टुअर्ट ब्रॉड पागल हो चुका है, यहाँ पर एक के बाद एक विकेट ले रहा है भाई। यहाँ पर पुजारा भी गॉन भाई, बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहा था चेतन सर पुजारा, ये भी डिफेंड करने की कोशिश किया था, हल्का इन स्विंग हुआ एंड जाकर सीधा पैट पे लगा, पुजारा 48 पे एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। लास्ट गेंद है वाशिंगटन सुंदर यहाँ पर, अबे यार फिर से 2 रन पे बैटिंग कर रहा था सुंदर एंड स्टुअर्ट ब्रॉड को मिल चुका है और एक विकेट भाई। स्टुअर्ट ब्रॉड आग लगा दिया, क्या गेंदबाजी कर रहा है ब्रॉड भाई, खतरनाक गेंद। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्विंग हो रहा है जिसका यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, सुंदर यहाँ पर 2 रन बना के आउट हो गया। वैसे इस वाली पिच पे इतना ज़्यादा क्रैक है, बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसी के बीच में अक्षर पटेल बहुत ही बढ़िया शॉट खेला एंड यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ अक्षर पटेल को, बहुत ही शानदार शॉट पटेल साहब की तरफ से। चौथी गेंद अक्षर पटेल स्ट्राइक पे, भारी किनारा लगा भाई, स्टुअर्ट ब्रॉड तू क्या कर रहा है ब्रॉड, तो भाई यहाँ पर खतरनाक हो चुका है, एक के बाद एक विकेट ले जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी स्टुअर्ट ब्रॉड की तरफ से और एक विकेट मिलता हुआ। आउटस्विंग गेंद था, कवर ड्राइव करने की कोशिश किया था, भारी किनारा लगा, बेन फोक्स ने कोई भी गलती नहीं किया। अक्षर पटेल यहाँ पर 25 रन बना के आउट हो चुका है। उमेश यादव स्ट्राइक पे है, जैक लेच का पहला गेंद, उमेश ने यहाँ पर उठा के शॉट मारा एंड यहाँ पर आराम से 1 बाउंस के बाद 4 रन मिलता हुआ उमेश यादव को, बहुत ही अच्छा पिक किया एंड बाउंड्री तक भेज दिया उमेश यादव ने जैक लेच को। दूसरा गेंद है जैक लेच के तरफ से एंड यहाँ पर बोल्ड मिडिल स्टंप उड़ा दिया जैक लेच ने। अरे भाई उमेश यादव यहाँ पर सोचा था स्पिन होगा, लेकिन पढ़ने के बाद सीधा अंदर आ गया एंड उमेश यादव को समझ नहीं आया, मिडिल स्टंप यहाँ पर उड़ गया उमेश यादव का, 5 रन बना के यादव आउट हो चुका है। लास्ट गेंद ईशांत शर्मा स्ट्राइक पे, एज लगा गया, फिर से स्टुअर्ट ब्रॉड के खाते में और एक विकेट भाई। यहाँ पर ईशांत शर्मा भी बैकफुट पे पांच करने की कोशिश किया था, इन स्विंगिंग गेंद था, भारी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं किया, चैलेंज नहीं बनता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया हो चुका है ऑल आउट। स्टुअर्ट ब्रॉड का यहाँ पर भाई क्या है गेंदबाजी किया स्टुअर्ट ब्रॉड ने, यहाँ पर 15 ओवर पे 6 विकेट लिया, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग। टीम इंडिया यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स पे 203 पे ऑल आउट हो चुका है एंड इंडिया 296 रन आगे है, तो मैच जीतने के लिए 297 रन चाहिए इंग्लैंड को, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वाली पिच पे इतना क्रैक है, बैटिंग करना मुश्किल है, तो देखते हैं यहाँ पर इंग्लैंड कितना करता है
एंड इंग्लैंड जीत पाता है, इंडिया जीतता है। तो चलो इंग्लैंड का सेकेंड इनिंग्स देखते हैं। इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करने आ रहा है जैक क्रॉली एंड डोमिनिक सिबली, एंड यहाँ पर गेंदबाज स्टार्ट करेगा ईशांत शर्मा। पहला गेंद यहाँ पर ईशांत शर्मा की तरफ से स्ट्राइक पे, जैक क्रॉली ग्लांस शॉट खेला, फील्डर है। पहला गेंद यहाँ पर डॉट, पहला गेंद अक्षर पटेल की तरफ से डोमिनिक सिबली। अबे एपीडब्ल्यू का, इतने एपीडब्ल्यू है, अपील तो हुआ है। अबे अंपायर ने नॉट आउट दिया है, मैं चैलेंज करना चाहूंगा, दो चैलेंज है। तो यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ने थर्ड अंपायर तक अपील तो कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है ये आउट है। तो यहाँ पर नो बॉल तो नहीं है, डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पर ओरिजिनल डिसीजन, नॉट आउट, पिच इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन एंड विकेट हिटिंग। तो अंपायर को अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर पहला विकेट मिलता हुआ अक्षर पटेल को। भाई डोमिनिक सिबली यहाँ पर आउट हो चुका है, अंपायर ने अपना डिसीजन रिवर्स कर लिया, एंड यहाँ पर डोमिनिक सिबली 8 गेंद पे 5 रन बना के आउट हो चुका है। इंग्लैंड का पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। लास्ट बॉल है इस ओवर का, जॉनी बियास्टो स्ट्राइक पे, कौन भाई 12 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ है। यहाँ पर अश्विन ने ले चुका है बियास्टो का विकेट। भाई स्ट्रेट बैट से खेलने की कोशिश किया था जॉनी भैया हमारा, यहाँ पर भारी किनारा लगा, एंड ऋषभ पंत ने कोई भी गलती नहीं किया, जॉनी बियास्टो यहाँ पर 3 रन बना के आउट हो चुका है। दूसरा गेंद है जो रूट यहाँ पर स्ट्राइक पे है, शानदार सा शॉट खेला पॉइंट पे, कोई भी फील्डर नहीं था, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पर जो रूट के तरफ से, पीछे फील्डर भाग रहा है लेकिन पकड़ नहीं पाया, तो यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ जो रूट को। लास्ट गेंद था यहाँ पर, रूट स्ट्राइक पे है, स्वीप शॉट खेला, भाई कैच करने का मौका है। अबे स्वीप शॉट तो खेला था लेकिन यहाँ पर कैच करने का मौका है, फील्डर है, फील्डर ने क्या कैच पकड़ा है, ये तो शर्मा जी का लंडा है, शर्मा जी का लंडा कभी गलती नहीं करता है, मौका आएगा शर्मा जी का लंडा मौका के मतलब कैच करेगा, मौका आएगा तो वो मौका का फायदा उठाएगा, एंड यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कैच शर्मा जी के लंडे की तरफ से देखने को मिला है। रोहित भाई क्या कैच पकड़ा है, एंड यहाँ पर जो रूट का विकेट गिरता हुआ 8 रन बना के रूट हो चुका है आउट। अति गेंद जैक क्रॉली स्ट्राइक पे है, फ्लिक शॉट खेला यहाँ पर जैक क्रॉली ने बहुत ही आराम से, लेकिन गैप पे शॉट है, तो फील्डर आ रहा है लेकिन पकड़ नहीं पाया, 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर जैक क्रॉली को, बहुत ही बेहतरीन शॉट। अगला गेंद अक्षर पटेल की तरफ से स्वीप शॉट, बढ़िया स्वीप शॉट खेला जैक क्रॉली ने, पीछे तो फील्डर है तो इजीली पकड़ लेगा, एंड यहाँ पर थ्रो किया 2 रन आराम से, अबे डायरेक्ट हिट कर दिया। अरे भाई जैक क्रॉली इतनी शानदार बैटिंग कर रहा था, एंड यहाँ पर क्या डायरेक्ट हिट था, ओहो स्वीप शॉट तो बहुत बढ़िया था लेकिन हिट डायरेक्ट हिट और भी बढ़िया। इसी के साथ जैक क्रॉली का भी विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, भाई जैक क्रॉली ने 11 रन बना के आउट हो चुका है, रहाणे ने यहाँ पर थ्रो किया। लास्ट गेंद है बेन स्टोक्स स्ट्राइक पे, अबे यार कैच भाई कैच, अबे 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 कैच हो जा भाई, ओके गॉन, विराट कोहली ने कैच पकड़ लिया। बेन स्टोक्स फास्ट इनिंग्स पे भी ऐसे ही आउट हुआ था, लेकिन उस बार आई थिंक वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर रहा था, इस बार अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहा था। भाई वही स्वीप शॉट खेलने की कोशिश किया था लेकिन गया नहीं, पैड पे लग के उधर ही फील्डर के पास चला गया, एंड विराट कोहली कोई भी गलती नहीं किया, ऑब्वियसली कैप्टन है तो गलती नहीं करना चाहिए, करा भी नहीं। तीसरा गेंद है बेन फोक स्ट्राइक पे, अश्विन यहाँ पर, अबे आउट है, अश्विन को और एक विकेट मिलता हुआ यहाँ पर बेन फोक्स का, बेन फोक्स ने डिफेंड किया था अश्विन का ये वाला गेंद, लेकिन भारी किनारा लगा, एंड यहाँ पर विकेट गिर चुका है बेन फोक्स का। भाई इंग्लैंड तो लुढ़क गया, 297 का टारगेट था, एंड यहाँ पर जो एक के बाद एक विकेट गिर रहा है ना, क्या ही बताए भाई, मजा आ गया। बेन फोक्स 3 रन बना के आउट हो चुका है, क्या यहाँ पर इंग्लैंड 50 रन बना पाएगा, क्योंकि 43 पे, अबे बोल्ड हो गया, 43 पे 6 था एंड यहाँ पर 7 हो चुका है चोपड़ा आर्चर। अबे क्या स्पिन है भाई, पिच पे क्रैक देखो, ऑब्वियसली भाई इस वाली पिच पे तो बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, एंड क्या गेंद था, क्या मस्त गेंद था, पढ़ने के बाद अंदर आया बोल्ड, जोफ्रा आर्चर 3 रन पे बोल्ड हो गया यहाँ पर। अति गेंद है उले पॉप स्ट्राइक पे, डिफेंड किया, कैच 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 कैच, 48 पे 8 विकेट गिर सकता है, यस गिर गया यहाँ पर, 50 रन बना पाएगा ना इंग्लैंड, मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि 48 पे यहाँ पर 8 विकेट गिर चुका है। अश्विन को और एक बेहतरीन विकेट मिलता हुआ, भाई अश्विन का 5 विकेट तो आई थिंक हो ही गया है। ओली पॉप यहाँ पर 9 रन बना के आउट हो गया। तीसरा गेंद स्टुअर्ट ब्रॉड है स्ट्राइक पे, बढ़िया स्वीप शॉट खेला, गैप पे तो है, फील्डर आ रहा है पीछे, गेंद के पीछे फील्डर भाग भाग के आ रहा है, भाग भाग भाग, लेकिन पकड़ नहीं पाया,
फील्डर से बहुत ही आगे निकल गया गेंद एंड 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड को। पांचवी गेंद है स्टुअर्ट ब्रॉड, स्ट्राइक पे स्वीप शॉट आराम से खेला है एंड 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 यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ स्टुअर्ट ब्रॉड को। बेहतरीन शॉट था ये, फील्डर पकड़ नहीं पाया, फील्डर तो था लेकिन पकड़ नहीं पाया। गेंद ब्रॉड है, स्ट्राइक पे स्वीप शॉट। ओह शर्मा जी अपने तो कमाल ही कर दिया भाई, क्या कैच पकड़ा है शर्मा जी यहाँ पर। स्टुअर्ट ब्रॉड का बहुत ही बेहतरीन कैच रोहित शर्मा ने पकड़ा है, डाइव मार के जो कैच पकड़ा है ना, क्या ही बताए भाई, ओपी कैच है, ओपी ओपी अलग ही लेवल का स्वैग वाला कैच। एंड यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड का विकेट गिरता हुआ 10 रन पे। इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ एक विकेट चाहिए एंड एंडरसन ने यहाँ पर स्वीप शॉट, कैच भाई कैच प्लीज, शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी कैच पकड़ लिया, गॉन 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 भाई गॉन। 297 का टारगेट था एंड यहाँ पर 71 पे ऑल आउट हो चुका है इंग्लैंड भाई। इंग्लैंड से ये उम्मीद मुझे नहीं था, लेकिन ये जो पिच है क्या ही कर सकते हैं भाई, स्वीप शॉट खेला था एंड यहाँ पर क्या कैच पकड़ा है शर्मा जी, मजा आ गया। एंड यहाँ पर अश्विन ने लिया है 6 विकेट एंड इंडिया ने यहाँ पर 225 रन इस वाली मैच को अपने नाम किया। हेड ऑफ द मैच हुआ है यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स पे बहुत ही शानदार गेंदबाजी किया, 6 विकेट लिया है 34 रन देकर एंड सेकेंड इनिंग्स पे इंग्लैंड ने 71 पे ऑल आउट हो चुका है एंड यहाँ पर इंडिया ने इस वाले मैच को 225 रन से अपने नाम किया। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन टीम इंडिया की तरफ से यहाँ पर देखने को मिला है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला बटन भी हिट कर देना, क्योंकि मैं डेली शाम को 7:30 बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो बेल वाला बटन प्रेस करके रखोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जब मैं लाइव आ जाऊँगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, लाइव स्ट्रीम पर बहुत मज़ा होता है, आ जाइए करो ठीक है। तो चलो इस वाली वीडियो इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मेरा चैनल को ऐसे प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।